बख्तियार साहब की कोई भी चीज अगर आपको न मिले ना तो रुदाबा बिटिया से पूछिएगा, उसे सारा मालूम है। आपके पास नंबर है रुदाबा का? बोले 4376729। हेलो सॉरी, इस वक्त आप सो तो नहीं रही थी? जी नहीं। एक्चुअली डैड की कीज का कुछ पता है आपको? कैसी कीज? वार्डरोब की। ओह, वो तो मेरे पास है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको देना भूल गई। दरअसल अंकल ने दो सेट्स बनवाए थे, एक उनके पास होता था और एक उन्होंने मेरे पास रखवा दिया। मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। I'm so sorry. नहीं नहीं, it's okay. Please don't be sorry. बस दिल चाह रहा था कि हर वो चीज जो डैड को बिलोंग करती है उसे अपने हाथ में लेकर देखूं एक बार। अंकल का सेट उनके मेडिसिन बॉक्स में होता है, आप चेक कर लें। मेडिसिन बॉक्स? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। उनकी जो बेडसाइड टेबल है ना, उसकी दूसरी वाली ड्रॉअर में। यू सेड सेकंड ड्रॉअर ऑन द लेफ्ट। ठीक कहते थे डैड। क्या ये कि आप उनका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखते थी? मुझसे भी ज्यादा? गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा तो तुम्हें इसी दिन के लिए मैंने पाल बोस के बड़ा किया था कि तुम मेरा ऐब गिनवाओ मुझे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ऐब कसम से बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। भाई मेरे तुम्हारी एज में सिर्फ 25 साल का फर्क है। ज्यादा नहीं बता दिया? हाँ, थोड़ा गर्म इस्तेमाल कर। सॉरी डैड, उसको तुमके पास नहीं था। सॉरी डैड, ठीक में लाइक कहते थे मुझे।
लायक होता तो सुनता आपके पास होती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे रमजान चाचा। अरे यहाँ कहाँ बैठे हैं, वहां ऊपर बैठे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। आप सुनाए, आपकी रात कैसी कटी? कटी गई। आपके ना डैडी भी इसी वक्त चाय पिया करते थे। साहिर है, उन्हीं की औलाद हूँ। वो चाबी मिल गई आपको? हाँ, डैड का सेट यहीं पर ही था, रुदाबा को मालूम था। अरे मैंने आपसे कहा था ना कि रुदाबा बेटी को सब पता है। दोनों साहिबों को वो बच्चों की तरह संभालती थी। सब लोग मेरी तरह थोड़े ही होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि सब ने मेरे डैड का ख्याल रखा, सिवाय मेरे। अरे नहीं नहीं सर, ऐसे मत कहिए। बख्तियार साहब आपको बहुत पसंद करते थे, वो सबसे कहा करते थे कि मेरा बेटा मेरा फख्र है, मेरा बेटा मेरी जान है। इस घर का काम भी आप देखते थे? हाँ, दोनों घरों का काम मैं ही संभालता था, मगर वो घर तो वीरान हो गया रहमत साहब के बगैर। आदिल मियां अपनी बहन को अपने साथ ले गए, हालांकि वो जाना नहीं चाह रही थी। हमारे साहब तो बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से, वो दो दिन के लिए भी अपने भाई के घर छोड़कर नहीं जाते थे। वो कहा करते थे कि मेरी बच्ची उस घर में घबरा जाती है। आपके पास जब बख्तियार साहब के साथ वो अमेरिका आए थे, बड़ी मजबूरन छोड़ के गए थे भाई के घर, मगर किस्मत क्या चीज है, इंसान को अपनी मर्जी से कहाँ रहने देती है। वरना रात को जिस घर में हम गए थे, अगर हमारे साहब जिंदा होते और आदिल मियां यूं अपनी बहन को अपने साले के पास छोड़कर बाहर गए होते तो कयामत आ जाती। क्यों? इसलिए कि आदिल मियां के ससुराल को वो अच्छा नहीं समझते थे, उनके साथ किसी तरह का भी कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते थे। उन्हें क्यों अच्छा नहीं समझते थे? इसलिए कि आदिल मियां का साला जो है ना, वो अच्छा नहीं है। बड़ी हराम की कमाई है उसके पास। ओह मैं, अच्छा अगर आपको कोई और चीज जरूरत हो ना तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं साथ ही कमरे में तो हूँ। ठीक है साहब। एक कप चाय एक चम्मच चीनी के साथ, जस्ट लाइक योर डैड। आई मिस यू।
ठहरिए। हाँ बस यूं ही। कल तुम बहुत देर से आई, मैं काफी देर वेट करती रही तुम्हारा, फिर मैं अपने कमरे में चली गई। खैरियत थी? सर्वेंट क्यों आया था? वो पलंग को लेके आए थे, कल शाम को ही वो पहुंचे, कब्रिस्तान से सीधा इधर आए मुझे मिलने। था कहाँ वो इतने दिन? साउथ अफ्रीका। जिस दिन वो वहां पहुंचे उसी दिन अब्बा का और अंकल का इंतकाल हो गया, और फिर वो काफी दिन मसरूफ रहे। फिर जब उन्होंने कॉल करने की कोशिश की तो कनेक्ट नहीं हो पाए। तुम्हें तो पता है डाकुओं ने दोनों के सेल फोन्स ले लिए थे। असल में गलती हमारी है, हमें ना अब्बा की और अंकल की सिम्स निकलवा लेनी चाहिए थी। वो बेचारे इतने परेशान थे, जब कॉल नहीं मिली तो वो फिर सीधा इधर आ गए अंकल की खैरियत पूछने के लिए, और जब यहाँ आए तो अंकल ही नहीं थे। कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल उलट, जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं। क्या मतलब? मतलब वो इतने भी अंग्रेज नहीं है और काफी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, बल्कि मेरे साथ तो उन्होंने उर्दू ही बोली। इतना तैयार क्यों करवा रहे हैं? चार पांच लोग ही तो आ रहे हैं। अरे चार पांच लोग हैं तो क्या हुआ, ओकेजन तो बहुत बड़ा है ना। और फिर एक ही तो बेटा है तेरा। वेरी गुड, माशाल्लाह। इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। अरे भाई आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलते हैं भाई, जरा कुछ जरूरी काम है मेरे, वो तो मैं कर लूँ। ला बेटा अपनी प्यारी सी उंगली दिखाओ, मैं ये देखो बुलंद, तुम्हारी मैं मंगनी की अंगूठी पहना रहा हूँ तुम्हारी दुल्हन को। और हाँ एक काम और है क्या? बेटा ये जो दुपट्टा है ना, मेरी माँ ने तुम्हारी सास यानी मेरी बीवी को पहनाया था जब वो आई थी पहली मरतबा घर पर, आज मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। देखो बुलंद मैंने तुम्हारी अमानत पहुंचा दी है, फिर न कहना कि अब्बा ने कोई चीज छोड़ी। अरे भाई अब चले, बाहर लोग इंतजार। हाँ हाँ जरूर 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 बेटा। देखो बुलंद तुम्हारी मैं मंगनी की अंगूठी पहना रहा हूँ। देखो बुलंद मैंने तुम्हारी अमानत पहुँचा दी, फिर न कहना कि अब्बा ने कोई चीज़ छोड़ी। देखो बुलंद मैंने तुम्हारी अमानत पहुँचा दी, फिर न कहना कि अब्बा ने कोई चीज़ छोड़ी। देखो बुलंद तुम्हारी अमानत पहुँचा दी, फिर न कहना कि अब्बा ने कोई चीज़ छोड़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मुझे मिलना है आपसे। जी मुझसे? जी आपसे, मैं आपको लेने आऊंगा शाम को। वो लेकिन आ जाऊं? जी आ जाए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं। आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रही। अगर आप मेरे साथ जाना नहीं चाह रही तो आप थोड़ी देर अपने घर आ जाए, मैं वहीं आकर आपसे बात कर लूंगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं चलूंगी आपके साथ। ठीक है आप तैयार रहिएगा,
शाम 6 बजे। जी मैं तैयार रहूंगी। वो मुझसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं कोई जरूरी बात करनी है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, ऐसे मौकों पे तो खुश हुआ जाता है। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या पहनोगी तुम? मैं यही तो पहनूंगी। नो वे, चलो मेरे साथ, लेट्स गो। आज शाम को आ रहे हैं। हाँ हाँ चलो, ऐसे होली में तो मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी। क्या? चलो। ओ वाओ, अगर तुम्हें मशरकी लड़की का इंप्रेशन देना ना, तो इससे बेस्ट ड्रेस कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं यार, पता नहीं उन्होंने क्या जरूरी बात करनी है। 12वीं बार तुमने ये सवाल किया। तुम खुश होने के बजाय कॉन्स्टेंटली टेंशन में हो। हाँ, इसमें खुश होने वाली बात ही क्या है? अब देखो, तुमने मुझे इतना ओवर ड्रेस कर दिया है, और मैं वहां जाऊं और पता चले वो मंगनी तोड़ना चाहते हैं, तो फिर कितनी एम्बैरेस होंगी मैं। हाँ, मंगनियां ऐसे नहीं टूटती रुदाबा। कोई मंगनियां तोड़ने के लिए इतनी इज्जत से नहीं बुलाता, और तैयार होके आने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहता। अगर उसे तुमसे मंगनी तोड़नी होती ना, तो वो तुम्हें बताए बगैर अमेरिका चला जाता। अपने अब्बा की कब्र से उस बरसती बारिश में तुमसे मिलने तो कभी भी नहीं आता। तैयबा, I'm so sorry. एवेस, तुमने नेल पॉलिश लगाई है? नहीं। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? ओह, फर्क पड़ता है। जब इंसान अच्छे से तैयार हो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। Let me get the nail polish for you. Seriously? Here's the nail polish. लगाओ ये। ये? हाँ। तैयबा, इतने ब्राइट कपड़े तुमने पहना दिए, ऊपर से इतनी ब्राइट नेल पॉलिश, क्या बना रही हो मुझे? तुम बहुत परफेक्ट लग रही हो, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रही। यार इतना तो हम बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। तुम बैठो और ये नेल पॉलिश लगाओ, मैं परिसी को देख के आती हूँ। बहुत ओवर है। बिल्कुल भी नहीं है। बशर भाई, आप वो मैं दुपट्टा पहनूं? मुझसे नहीं गिरा, खुद ही गिर गया। सॉरी बशर भाई। सुना, अगर वो तुम्हें अच्छा लगा तो तुम उसे गाड़ी से उतारना और मुझसे मिलाना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो बाहर से ही फारिग कर देना। अगर तुमने यूं किया ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें बहुत पसंद आया, फिर मैं उसे बुलाऊंगी, चाय कॉफी का पूछूंगी। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तो और क्या करूं? रिलैक्स, स्माइल। ओह गॉड, देखा, नहीं होता मुझसे इस तरह बिना वजह स्माइल। तो तुम्हारी वजह से इतनी ओवर ड्रेस हो गई हूँ। अच्छा ओके, रिलैक्स, डोंट स्माइल, जस्ट ब्रीथ एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, गो नाउ। गो? तो ये बहुत ओवर है। गॉड रुदाबा, बिल्कुल भी ओवर नहीं है, बहुत अच्छी लग रही हो। ओके, गो नाउ, गो 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 गो। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइए। आई
वेलकम प्लीज। कौन है ये? सर ये बुलंद साहब रात को भी आए थे आदिल साहब के मुलाजिम के साथ। आदिल साहब का मुलाजिम बता रहा है कि ये उनके बहनोई हैं। आप शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं मेरे साथ। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनकंफर्टेबल फील करना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए इसे छुपाने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इंसान जब किसी अजनबी से ऐसी सिचुएशन में पहली बार मिलता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। इट्स ओके। सॉरी, दरअसल मैं पहली दफा किसी लड़के के साथ में अकेली निकली हूँ तो थोड़ी सी झिझक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। झिझक होनी भी चाहिए, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं जिनमें मर्दों के लिए झिझक हो, डिस्टेंस हो। आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि डैड मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आपको चूज करते हुए मेरी एक एक पसंद का ख्याल रखा। आप अभी ये कैसे कह सकते हैं? हम अभी अभी तो मिले हैं। हम बस मिले अभी हैं, मगर मैं जानता आपको भी पिछले 4 सालों से हूँ, जब से हमारी और आपकी फैमिली क्लोज हुआ। इसलिए कि डैड के पास आपको और अहमद अंकल को डिस्कस करने के अलावा और कुछ होता ही नहीं था, इसलिए आप लोगों के पूरे दिन का अपडेट मेरे पास होता था। और मुझे ये भी पता है कि आपने पहली बार खीर जो बनाई थी वो फीकी थी। हाँ, वो जानबूझ के फीकी बनाई थी। उन दोनों की शुगर बहुत हाई थी, मैंने जानबूझ के शुगर नहीं डाली और मैंने फोर्स किया कि मैं भूल गई, लेकिन वो मैंने जानबूझ के किया था। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ था? तो मैं मान तो रहा हूँ ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ था। By the way, क्या ये वो तारीखी जोड़ा है जिसे टेलर ने पुलिस की कस्टडी में सिया था? आपको ये भी पता? जी बिल्कुल, मुझे पता है कि चांद रात को टेलर ने आपका सूट देने से इनकार कर दिया, आपने रो रो के बुरा हाल कर दिया, फिर आप डैड और अंकल को साथ लेकर गई टेलर से लड़ने के लिए। फिर डैड ने वहां पुलिस बुलाई और टेलर ने पुलिस की कस्टडी में वो सूट सिया, क्योंकि आपकी शर्त थी कि जब तक ये सूट नहीं सिलेगा आप घर नहीं जाएंगे। और आई थिंक 3 बजे के करीब आप घर पहुंची अपने सूट समेत। क्या ये वही तारीखी जोड़ा है? अंकल ने बता दिया आपको? नहीं, ये वो जोड़ा नहीं, ये तैयबा का जोड़ा है। तैयबा कौन? भाभी की बहन। ये जोड़ा उसने मुझे लोन किया। मेरे सारे कपड़े घर पे हैं, अब्बा के घर। ओ, जब मैं भाई के घर जा रही थी ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाऊं, क्या वहां छोड़ दूं, क्यों लेके जाऊं। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा था ताकि आपको यकीन दिला सकूं कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आई थिंक मेरी बातों से आप अपसेट हो रही हैं। आई एम सॉरी। अच्छा ये बताएं कहाँ चले? जहाँ आपका दिल। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ चले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम वहां जाए जहाँ आप जाना चाहते हैं। कहाँ? सॉरी, राउंड अबाउट से सीधा जाए और आगे से लेफ्ट ले लें। ओके। हरीश को वो ड्रेस नहीं है? नहीं, ये वो ड्रेस नहीं है। और प्लीज भूल जाए इस बात को बाबा। भाई आज रुदाबा बहुत अच्छी लग रही थी। सारे इमोशंस की रेनबो होती है लड़की के चेहरे पर उस वक्त जब वो पहली बार अपने मंगेतर से मिलने जाती है। एक्सपेक्टेशंस, होप, शाइनेस, लव। भाई आपको पता है उसे मेरे कपड़े बिल्कुल पूरे थे और मेरे सैंडल्स भी बिल्कुल फिट आ गए।
की किस्मत इतनी अच्छी होती है, दिल करते उन्हें चुरा लें। भाई अगर किस्मतें चुराई जा सकती तो दुनिया में कितनी अफरा तफरी और हलचल होती ना। हर ताकतवर ने गरीब की किस्मत अपनी मुट्ठी में दबाई होती। पता नहीं मैं आपको कैसा लगा हूं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। In fact, डैड की दी हुई स्टेटमेंट से भी ज्यादा अच्छी। मुदाबा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत अहम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे डैड की ख्वाहिश है, उनकी कमिटमेंट है, बल्कि इसलिए कि मुझे एग्जैक्टली आप जैसी बीवी ही चाहिए। मैंने कहा ना, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए कि रहमत अंकल ने कभी भी आपके सामने मुझे डिस्कस नहीं किया होगा। मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि आप मुझसे मिल लें, मुझसे बात कर लें और फिर खुद फैसला करें। इसलिए आप मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, मोहन अंकल। मैं एक बहुत टिपिकल देसी लड़की हूं। आप जितनी एजुकेशन नहीं है मेरी और आप जितना एक्सपोजर तो बिल्कुल नहीं है मेरा। आई एम हैप्पी कि मैं आपको पसंद आ गई हूँ, लेकिन शायद वो टेम्परेरी है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आगे जाके मैं आपको सूट करूंगी। अब वो दरअसल मुझे बाहर की लाइफस्टाइल से, हंगामा, शोर, इन सब चीजों से बहुत घबराहट होती है। मुझे भी बहुत घबराहट होती है वहाँ के शोर से, हंगामे से, और स्पेशली वहाँ के लाइफस्टाइल से। मैं वहाँ उन लोगों के लिए काम तो कर सकता हूँ, उनसे दोस्ती भी कर सकता हूँ, मगर उन जैसा नहीं बन सकता, इसलिए कि उनके असल और हमारे असल में बहुत फर्क है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर एक ऐसी लड़की हो जो मेरे दिल की जबान समझे, मैं उसके दिल की जबान समझूं, जो मेरे जैसी हो, और आप बिल्कुल मेरे जैसी हैं। सॉरी, वो रमजान चाचा मुझे छेड़ते थे, मुझे डराते थे कि वो लड़का बिल्कुल तुमसे ऑपोजिट है, बाहर का है, पूरे का पूरा अंग्रेज है। जाहिर है, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ा हूँ तो वहाँ का असर तो होगा ना, लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं। रियलिटी में मैं उस वक्त भी अंदर से बहुत देसी था और आज भी बहुत देसी हूँ अंदर से। मैं वेस्टर्नाइज लड़की उससे फ्रेंडली जरूर हो सकता हूँ, मगर बीवी मुझे मेरी माँ जैसी चाहिए, मेरी दादी जैसी, मेरे खानदान की औरतों जैसी। आपकी गर्लफ्रेंड्स थी? Yes. दो। कौन? कौन? एक जब मैं 18 साल का था तो मेरे साथ ए लेवल्स में पढ़ती थी। फिर ये कि उसकी फैमिली में लड़कियों की शादियां जल्दी होती थी, उसे कितना दुख हुआ था मुझे उसकी शादी का। आपने मेरे घर में पिक्चर देखी है जिसमें लंबे बाल हैं और हाथ में गिटार है? वो हालत उसके गम में ही हुई थी। दूसरी उसका भी बताऊं? ओके, वो एक इंडियन लड़की थी, मेरे साथ काम करते थे कोई 5 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन की। फिर
फिर ये कि मुझे उसका इंग्लिश लाइफस्टाइल समझ नहीं आया और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। फिर डैड ने आपको देख लिया और मुझ पे सख्तियां शुरू कर दी। सख्तियां मींस के उन्होंने मुझे खुद को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद दी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, बहुत ईमानदार, और मेरे साथ कोई ईमानदार लड़की चल सकती है। वैसे आपको तो पता चला ना कि आप डैड की बहू हैं। मुझे बहुत पहले अंदाजा हो गया था, इसलिए मेरे लिए रिश्ता नया नहीं है।